सो हे गाइस, नमस्ते आदाब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। 30 डे 30 व्लॉग का आज है 23वां दिन। और आप सबको बता दूं कि मैं हूं खोमंडी से थोड़ा सा पहले मैं यहां पर जो है खड़ा हूं। मेरे पीछे जो है 2 कदम 4 कदम पे जो है रेलवे क्रॉसिंग है, और रेलवे क्रॉसिंग से है थोड़ा सा पहले मैं यहां पर राइट साइड पे जो है पतंग की दुकान है, जो बहुत ही ज़्यादा गाजीपुर में जो फेमस है। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि खिचड़ी का दिन चल रहा है, खिचड़ी आने वाली है, पतंग का सीज़न चल रहा है, तो बहुत से लोग जो हैं वो पतंग वगैरह बहुत ज़्यादा उड़ाते हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सारे लोग जो है पतंग बहुत अच्छे से उड़ाते हैं, बहुत जो है मन से यहाँ पर पतंग वगैरह उड़ाते हैं। और गाजीपुर में सबसे फेमस दुकान जहाँ पे पतंग मिलती है, जहाँ हमेशा जो है भीड़ लगी रहती है, मैं वहीं पर खड़ा हूँ। चलिए अंदर जो है सारी चीज़ें आप सबको इस ब्लॉग में आप सबको मिल जाएगी, चर्चा से बात भी करूँगा, सारी जानकारी जो है इस ब्लॉग में आप सबको मिलेगी। बहुत ज़्यादा फेमस इनकी जो है पतंग की दुकान है गाजीपुर में, कोई ऐसा ही होगा जिसको नहीं मालूम होगा। बहुत ज़्यादा फेमस ये पतंग की दुकान है, पूरे गाजीपुर में यहीं से पतंग जाती है। छोटे छोटे जो जिनकी शॉप होती है वो भी जो है इन्हीं से पतंग वगैरह लेके जाते हैं और बेचते हैं। तो चलिए ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। और चलिए मैं चलता हूँ, सबसे पहले जो है अंकल से बात करता हूँ और सारी चीज़ें जो है उनसे पूछता हूँ। तो ये हैं चाचा। तो चाचा आपका नाम क्या है, सबसे पहले अपना नाम बताओ। परमानंद। इनका जो है परमानंद नाम है, परमा चाचा के नाम से बहुत फेमस है। मैं भी छोटा था तो बहुत बार इनके शॉप पे आता हूँ और पतंग वगैरह जो है लेके जाता हूँ। कल भी आया था और पतंग वगैरह बहुत सारी जो है लेकर गया हूँ, क्योंकि खिचड़ी में मैं भी कभी कभी जो है उड़ा लेता हूँ मूड के हिसाब से। तो चाचा आपको बता दूँ कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसमें गाजीपुर की जो फेमस चीज़ों को मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो फेमस चीज़ या तो खाने की चीज़ हो या कोई घूमने की जगह हो, गाजीपुर की जो फेमस चीज़ है उसको मैं दिखाता हूँ। तो फेमस से याद आया खिचड़ी का जो है वो दिन भी चल रहा है और बहुत ज्यादा जो है पतंग वगैरह बहुत लोग उड़ाते हैं गाजीपुर में। तो पतंग से याद आया कि आपकी दुकान जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है फेमस है और फेमस चीज को ही मैं दिखाता भी हूँ। तो ये बताइए कितना साल हो गया पतंग वगैरह बेचते हुए? 50 साल। 50 साल ज्यादा हो गया। तो अंकल जो है 50 साल से जो है यहाँ पर पतंग वाला जो है काम कर रहे हैं, पतंग वगैरह जो है यहाँ पर खुद से ये बनाते भी हैं, क्यों बनाते भी हैं? अच्छा, और ये बताइए कि उस 50 साल पहले जो है पतंग का क्या रेट था? 50 साल जो हम लोग बनाते थे पहले, उस समय तो हम लोग 50 पैसा 25 पैसा बेचते थे। जी जी जी। और अभी क्या रेट चल रहा है? इस समय तो हो गया है 10 रुपया 20 रुपया 5 रुपया 6 रुपया, इस तरह चल रहा है। पहले 50 पैसे की पतंग आती थी, मुझे भी याद है छोटे थे हम लोग 1 रुपए की 2 पतंग आके यहाँ से लेके जाते थे और उड़ाते थे। और मांझा वगैरह क्या रेट है? मांझा वही किलो का। अच्छा, किलो के हिसाब से मिल रहा है? 10 रुपया 20 रुपया। अच्छा, अब जो है वो किलो के हिसाब से मांझा वगैरह मिल रहा है। हम लोग जो पहले यहाँ पर छोटी सी जो है आंटी होती थी उसमें हम लोग भरवा के लेके जाते थे और उड़ाते थे। तो चलिए ठीक है, मैं सारी चीज़ें जो है पतंग वगैरह भी आप सबको दिखाऊंगा। बहुत सारी बड़ी बड़ी जो है यहाँ पर पतंग वगैरह है, सारी चीज़ें मैं आप सबको दिखाऊंगा। पब्लिक जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ लगी रहती है हमेशा। अभी जो है मौसम तो ख़राब है थोड़ा सा, इसलिए जो है आज जो है भीड़ कम है। और मैं सोचा था कि मतलब खिचड़ी वाले दिन आकर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उस दिन संभव नहीं रहता। आप जिस तरीके से हमसे बात कर रहे हैं उस दिन जो है आप बात भी नहीं करते हैं और मुझे टाइम भी नहीं देते, मुझे मालूम है। इसलिए मैं सोचा क्यों ना पहले ही आकर इस वीडियो को बना दिया जाए और आप सबको दिखा दिया। भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, अभी जो है वो जो बारिश वगैरह हल्की सी हो रही थी जिसकी वजह से भीड़ जो है अभी कम है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ वगैरह होती। चलिए मैं सारी चीज़ें आप सबको दिखाता हूँ, पतंग वगैरह भी दिखाता हूँ कैसी है कैसी कैसी नहीं है, सारी चीज़ें जो है आप सबको जानकारी जो है दूंगा। पूरी 1 साल तक जो है यहाँ पर मेहनत होती है, पतंग जो है खुद से बनाई जाती है और कुछ बाहर से भी आती है, जितनी हो सकती है इन लोग जो है वो बनाते हैं। 1 साल तक खिचड़ी में जो है सारी चीज़ सारी पतंगें जो है वो बिक जाती है और उसके बाद जो है फिर से 1 साल तक वो बनाते हैं, उसके बाद फिर खिचड़ी का इंतज़ार करते हैं। और कुछ पतंगें जो है वो बाहर से भी आती है और कुछ पतंगें जो है यहाँ पर चाचा जो है बनाते भी हैं। तो यही सब जानकारी थी जो आप सबको देना था, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर बहुत सारे भाई लोग जो है आए हैं पतंग वगैरह ले रहे हैं। तो भाई तुम्हारा नाम क्या है? नाजिमुल हुसैन इनका नाम है। तो पतंग वगैरह उड़ाते हो मतलब कब से यहाँ पे आ रहे हो लेने के लिए? 3-4 साल। 3-4 साल से ये भाई जो है 3-4 साल से यहाँ पे आते हैं। पतंग वगैरह कैसी मिलती है यहाँ? पतंग अच्छी पतंग, अच्छी पतंग मिलती है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। मांझा वगैरह सब कुछ सही होता है। तो यहाँ पर जो है देखिए ये भाई आते हैं पतंग वगैरह लेने के लिए, मांझा वगैरह लेने के लिए। क्वालिटी जो है वो पूरे गाजीपुर में सबसे ज़्यादा क्वालिटी यहाँ पर मिलती है और सबसे ज़्यादा फेमस भी है, यहीं से सारे लोग लेके जाते हैं और फिर अपनी अपनी दुकानों में बेचते हैं। तो शुक्रिया भाई। यहाँ पर प्लास्टिक की है और भी बहुत सारी देखिए आप देख सकते हैं, ये सब बन के जो है रखी हुई है। ये देखिए कितनी खूबसूरत ये देखने में लग रही है पतंग।
ये सब जो है खुद से बनी बनी हुई है और कुछ बाहर से भी बन कर आई है, ये आप देख सकते हैं। सारी पतंगे आप सब देख सकते हैं, सारी रखी हुई है, पूरा पूरा जो ये शॉप जो है भरी हुई है, ये देखिए छोटा भीम। तो ये है परमा चाचा के लड़के हैं, आपका नाम क्या है भैया? अभिषेक इनका नाम है। ये भी जो है इनका मतलब परमा चाचा का जो है साथ देते हैं पतंग वगैरह जो है बेचने में और बनाने में। आप बनाते हैं पतंग? अच्छा, ये भी भैया भी जो है यहाँ पर पतंग वगैरह बनाते हैं। और एक और इनके जो है परमा चाचा के लड़के हैं ये, आप तो आपका नाम क्या है? अश्वनी। ये भी भैया भी जो है परमा चाचा के लड़के हैं और ये भी जो है उनका साथ देते हैं पतंग वगैरह बनाने में, पतंग वगैरह जो है बेचने में। इन लोग आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, आप देख सकते हैं ये पतंग जो है चाचा अभी जो है अभी जस्ट बनाए हैं मेरे सामने। तो ये आप देख सकते हैं ये सारी पतंगे जो है यहाँ खुद से जो है बनाई जाती है। ये तीली वगैरह भी खुद से ये बनाते हैं और ये कागज़ भी ये खुद से यूज़ करते हैं, इसको चिपकाते हैं और इसको जो है तैयार किया जाता है। सारी पतंगे जो है यहाँ पर खुद से बनाई जाती है, चाहे प्लास्टिक की पतंग हो या कागज़ की पतंग। ये सारी देखिए आप सब जो है 2022 न्यू ईयर के मतलब ये जो सब बनी हुई है आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जो है। देखिए इस पर जो है वो तोता बना हुआ है, सारी चीज़ें जो है इन लोग खुद से ही बनाते हैं, बहुत कुछ है ये आप देख सकते हैं। यहाँ भीड़ देखिए लोगों की जो है यहाँ पर लेने के लिए, पतंग वगैरह लोग आते हैं लेते हैं, हमेशा जो है यहाँ पर भीड़ वगैरह जो है लगी रहती है। तो ये आप देख लीजिए, हाँ देखिए ये पतंग जो है आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा बड़ी पतंग है। इसका आप सबको रेट बता दूं, ये 35 रुपये की एक है, ये पतंग जो है 35 रुपये की एक है। इससे ही बड़ी पतंग है, सबसे बड़ी पतंग आपके पास यही है फिलहाल में? फिलहाल में यही, अभी और बहुत बड़ी पतंग आती है, वो खिचड़ी से एक दो दिन पहले आएगी। क्यों? इसमें आप देख सकते हैं ये जो है मांझा जो है भरा जा रहा है। और ये देखिए राडू ये आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके की अलग अलग डिज़ाइन, और ये सब कार्टून वाला जो है ये सब बनाया गया है बच्चों के लिए। ये देख सकते हैं आप लोग माइटी राडू, और ये छोटा भीम है, ये देखिए मिकी माउस है, और ये चिड़िया रेलवे क्रॉसिंग 10 कदम आगे, और ये रोड सीधे जो है वो पहुंच जाती है खोमंडी, और यही राइट साइड पे जो पतंग की ये दुकान है, यहाँ पर जो है ये एक ये दुकान है और एक ये भी दुकान है। दोनों दुकान जो है वो इन्हीं लोगों की हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी पतंग वगैरह जो है मिलती है, और यहाँ पर भी मिलती है, ये आप देख सकते हैं। सब सारी चीज़ें जो है देख ही ली मैंने, सारी चीज़ जो है बता दिया। पतंग वगैरह बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर मिलती है। अगर आप सब गाजीपुर के हैं और नहीं जानते, फिर भी शायद ही ऐसा कोई होगा जिसको नहीं जानता होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं जानते गाजीपुर में रह के नहीं जानते, तो एक बार जो है खोमंडी से थोड़ा सा पहले और रद्देपुर जो है रेलवे क्रॉसिंग से थोड़ा सा आगे यहाँ पर जो है राइट साइड में जो है पतंग की दुकान है, बहुत पुरानी 50 साल पुरानी ये दुकान है। तो एक बार ज़रूर आएँ और आप सब यहाँ पर विजिट करें, पतंग वगैरह यहाँ से लें। और अभी जो है करीब है खिचड़ी, पतंग वगैरह आप सब यहाँ से ले सकते हैं। तो आई होप आप सबको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अच्छा ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर ना चैनल सब्सक्राइब करके पे लाइक जरूर दबा दें, क्योंकि मैं इससे कभी वीडियो लाता रहूँ। इंशाल्लाह फिर किसी नए ब्लॉग में आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खत्म, टाटा बाय बाय।